नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सात मुखी रुद्राक्ष के क्या फायदे हैं, किस तरह से पहनना है, क्या मंत्र है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बैल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष की सतह पर सात प्राकृतिक धारियां होती है। इसमें अन्य रूपों के विपरीत भगवान शिव के अनंग रूप को दर्शाया गया है। ये मन का सप्त मात्रिकाओं द्वारा और धन की देवी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से युक्त है, जो इसे और भी अधिक शक्तिशाली और लाभों से युक्त बनाता है। सात मुखी रुद्राक्ष का अधिपति ग्रह है शनि, जो अनुशासन और कर्मों पर गहरी नजर रखता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है तो आप इसे धारण करके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। फायदे: सात मुखी रुद्राक्ष किसी के जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए जाना जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष में दिव्य सर्प निवास करते हैं, जो इसे धारण करने वाले को अपार शक्ति से जोड़ता है। ये शनि के क्रूर प्रभाव को कम करता है, जो खुशी और विकास को प्रतिबंधित करता है। ये पहनने वाले को जहर के प्रभाव से दूर रखता है। ये मांसपेशी के दर्द, गठिया जैसी समस्याओं को ठीक कर देता है। धन की स्थिर रखने में मददगार है। अगर आपका पैसा रुकता नहीं है तो आप इसे पहने, पैसा आपका रुका रहेगा। वित्तीय आय बढ़ाने में मदद करता है। ये हितों और कलात्मक कौशल की समझ को बढ़ाता है। ये धारक के जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लाता है। ये जीवन में दुख और दुर्भाग्य को भगाता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव को कम करता है। रुद्राक्षधारी के जीवन में आशा और सकारात्मकता महसूस करने में ये मदद करता है। जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलने में ये मददगार है। मधुमेह जैसी समस्या को दूर करने में ये बहुत फायदेमंद है। शरीर में मणिपुर चक्र से जुड़ता है, जो साहस और आत्मसम्मान को प्रज्वलित करता है। ये पहनने वाले को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। रचनात्मक और अंतर्ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। शनि की 7:30 ढैया के समय सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण करने पर शनि देव खुश रहते हैं। ये दिल की समस्याओं का इलाज करने में मददगार है। यौन समस्याओं के इलाज में मददगार है। धारक के लिए रोजगार के अवसर और संभावनाओं को खोलने में मदद करता है। पहनने की विधि: दोस्तों, किस तरह से आप पहने, सात मुखी रुद्राक्ष को पहनने की क्या विधि है बता देता हूं। किसी भी रुद्राक्ष को पहनने से पहले अपनी जन्म कुंडली को जरूर एक बार किसी ज्योतिष से दिखवा दे और उसके बाद आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। पहनने के दिन आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सात मुखी रुद्राक्ष को शनिवार के दिन पहनना चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य शनि के प्रभाव को कम करना है। दूसरी ओर यदि आप इसे शुक्रवार को पहनते हैं तो ये जीवन में समृद्धि को आकर्षित करता है। इसे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के पश्चात घर की पूर्व दिशा में बैठकर ओम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम हुम नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके अलावा इसे धारण करने के पश्चात प्रतिदिन आपको 5 माला मंत्र जाप करना है ओम नमः शिवाय का। ओम नमः शिवाय प्रतिदिन जो है 5 माला जाप करें। दोस्तों, रुद्राक्ष को पहचानने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। रुद्राक्ष को आप पानी में डाल दीजिए, अगर ओरिजिनल होगा तो वो डूब जाएगा, और अगर लकड़ी का या बेर की गुठली या किसी अन्य चीज का बना होगा तो वो पानी में तैरेगा। तो ये उसकी पहचान करने की विधि है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।